नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं कनिष्ठ, आइए डालते हैं नजर आपकी कुछ खास खबरों। भारत में एक तरफ जहां पूरा देश अयोध्या में राम मंदिर बनने की छुट्टियां मना रहा है, वहीं पर बरेली के रामगंगा के निकट एक मंदिर को तोड़ा जा रहा है। रेल विभाग बिना किसी नोटिस और बिना किसी कार्रवाई के अचानक रामगंगा के निकट मंदिर पर पहुंचा और वहां पर सरकारी अमले के साथ तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद वहाँ पर गुस्सा है। साधुओं ने योगी सरकार से राहत की और मदद की मांग की है। जो भी जीर्णोद्वार हो रहा है, लेकिन उसका रेलवे विरोध कर रहा है, जबकि रेलवे तो मंदिर की संपत्ति पे खुद उसने लाइन बिछाई है। मंदिर की संपत्ति है ये, आपने कैसे? गंगा जी की तो संपत्ति है, मंदिर तो गंगा जी मंदिर यहाँ से बहुत समय से रहा है, आज से तो है नहीं, लाखों वर्षों से रहा है। गंगा जी आती नहीं जाती रही, मंदिर गंगा जी में समाता रहा, कभी बनता रहा। अगर थोड़ा सा ये कार्य हो रहा है, इससे किसी चीज को बाधा तो नहीं हो रही थी इसमें, लेकिन अननेसेसरी इसको तोड़ा गया, गुम्मत तोड़ा गया, ये सब गलत हो रहा है। रेलवे ने आपसे कुछ तो कहा होगा कि यहाँ पर ये संपत्ति रेलवे की है, या क्या प्रोजेक्ट रेलवे डालना चाह रही है, या मतलब किस तरीके से मतलब आपको हटाने क्यों, क्या कारण है ऐसा? वो ये चाह रहे हैं कि कुछ भी ना हो यहाँ पे, जैसे मंदिर है वो जितना है उतना ही बना रहा है, तो इसमें जितना है उतना बना, इसका कम से कम इतना तो हो कि कम से कम चार से भक्त स्नान करने आते हैं, सब कुछ आते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो उनके बैठने का स्थान बना रहे। वर्तमान समय में रेलवे क्या कर रही है यहाँ पर? रेलवे इसको तोड़ना चाह रही है, इसको तोड़ना चाह रही है, तोड़ भी दिया, गुम्बद तोड़ भी दिया है, बगैर सूचना के कोई सूचना नहीं। हाँ, क्या नाम है आपका? मुझे मौनी बाबा साहब। हाँ, क्या शिकायत है, क्या कहना चाहते हैं? शिकायत ये है, एक तो बिना नोटिस के ये सब तोड़ दिया साहब, गुम्मट 15 फीट। आपको कोई सूचना नहीं दी इसकी? हैं? आपको कोई सूचना नहीं दी? सूचना कोई नहीं दी सर, कोई सूचना नहीं। क्या सूचना? कब से आप यहाँ पर कार्यरत? पहली तारीख पहला महीना सन 2001 से यहाँ रह रहा हूँ। आज तक ऐसी आपत्ति किसी ने नहीं। मंदिर जो आज युगों से, कोई आज से थोड़ी ना है मंदिर, इससे पहले महाराज जी रहते थे, वो शरीर बिगड़ कर गए, अब साहब ये देखने को मिल रहा है। तो अब इस पर रेलवे क्या कर रही है, क्या प्रोजेक्ट कर रही है? अब जो करें वो उनके हाथ में है, मैं कोई विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, जो करें उनके हाथ में है। अच्छा, लेकिन जो यथास्थिति उसको बना रहे, बना रहने दे, कोई आता है गंगा को सौंदर्यीकरण हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें नहाने किसी रेलवे को? हमारे जिला बरेली का रेलवे भी एक आस्था, मुख्य आस्था केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर हमारे बुजुर्ग लोग या जवान लोग शरीर छोड़ते हैं, उसके लिए भी हम यहाँ लेकर के आते हैं, स्नान करते हैं, संस्कार करते हैं। एक महीना प्रति महीने पूरे भागवत होती है, यहाँ के क्षेत्र के ग्वाल वाल लोग हैं वो झोपड़ी डाल देते हैं, अगर बारिश हो तो यहाँ पर आकर के सर छुप जाए। ये तो ये क्षेत्रीय संपत्ति है, ऐसे समझ लो माँ गंगा की गोद में समाई है, क्योंकि क्षेत्र की संपत्ति से ही यहाँ पर रेलवे, बाद में हमारे बुजुर्ग लोग जो 100-100 साल के होकर के एक दूसरे को बताते हुए गए हैं कि यहाँ ऐसा स्थान था, यहाँ सोरे दरी की मड़ी थी, यहाँ इधर पुल जब बना तो इधर इतनी निकल गई। अब यहाँ पर जो है, जब से इन्होंने जन्म लिया, इससे पहले एक पीढ़ी तो एक संत की मैं भी देख चुका हूँ, लंगड़े बाबा थे, वो बेचारे यहाँ रहते थे, इस मठिया की पूजा पाठ करते थे, और शाम के लिए बेचारे अगले पल्ले पार एक झोपड़ी बनाई, जो अब भी यादगार में उनकी ये ग्वाल वाल लोग उसका लीपा पोती कर देते हैं, फूस डालते हैं, अब भी तैयार है। तो उनका शरीर पूरा होने के बाद में इन्होंने यहाँ निवास किया, तो रात को ये भी वहीं रहते थे, दिन को आ जाती थी, और आज तक जो भी यहाँ पर विकास हुआ, किसी भी प्रकार की ना कोई बाधा लगी थी, ना कोई बात नहीं, ये तो अचानक आते हैं साहब, बचाया है।